नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। ब्रिटेन में महिला से रेप करने वाले भारतीय छात्र को 6 साल से ज्यादा जेल में रहना होगा। घटना पिछले साल जून की है। 20 साल के इंडियन स्टूडेंट का नाम प्रीत विकल है। विकल और महिला की मुलाकात कार्डिफ के नाइट क्लब में हुई थी। वहां महिला ने ज्यादा शराब पी ली थी और वो होश में नहीं थी। विकल उसे अपने फ्लैट पर ले गया और वहां रेप किया। महिला को गोद में उठाकर ले जाते हुए विकल के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए थे। इन्हीं के जरिए उसकी पहचान भी हुई। विकल इस महिला को नॉर्थ एरिया हाउस में मौजूद अपने फ्लैट पर ले गया। उस वक्त तक सुबह हो चुकी थी। मामले की जांच करने वाले डिटेक्टिव निक वुडलैंड ने कहा, कार्डिफ इलाके में इस तरह के क्राइम नहीं होते। प्रीत विकल एक खतरनाक शख्स है। उसने एक ऐसी महिला को शिकार बनाया जो नशे में थी और अपने दोस्तों से बिछड़ गई थी। ये जांच 1 साल तक चली। पुलिस ने इस मामले में इलाके के तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले और यही फुटेज आखिरकार विकल के खिलाफ सबसे अहम सबूत साबित हुए। घटना के बाद विक्टिम और विकल के बीच इंस्टाग्राम पर मैसेज एक्सचेंज भी हुए। इसकी वजह से ही उनकी सही पहचान सामने आ सकी। पुलिस के मुताबिक विकल और विक्टिम में कुछ फोटो भी सामने आए हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि महिला जब होश में आई तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। बाद में उसने अपने साथ हुए वाकये की तमाम जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस को दिए बयान में विक्टिम ने कहा, मैं इस घटना के बाद इतना डर गई कि 5 महीने तक अपने किसी दोस्त के साथ घर से बाहर नहीं गई। महिला का आरोप है कि विकल ने अपने फ्लैट के बेड पर विक्टिम के साथ एक फोटो भी क्लिक किया था। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ।